दोस्तों आज मैं आपको व्हाइट बोर्ड का रिव्यू दूंगा। यह व्हाइट बोर्ड मैं खरीदने के लिए काफ़ी समय से सोच रहा था, क्योंकि मेरा एक यूट्यूब चैनल है JD एजुकेशन के नाम से, जिस पर मैं पढ़ाता हूं, और व्हाइट बोर्ड की कमी मुझे काफ़ी अकड़ती थी। इस कारण से मैं प्रायः मैथ्स की वीडियो नहीं बना पाता था, इंग्लिश लिटरेचर वगैरह पढ़ाता था, जिसके लिए सिर्फ कैमरे के सामने बोलना भर होता था। और यह व्हाइट बोर्ड मैंने ऑफलाइन लिया है। हालांकि इसको खरीदने से पहले मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगहों पे इसकी प्राइसेस पता की, दुकान दुकान पे जाके भी इसके कीमत जाना, और मार्केट में इस समय 50 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 100 रुपये स्क्वायर फीट तक के व्हाइट बोर्ड उपलब्ध है। यह वाला व्हाइट बोर्ड सबसे सस्ता वाला है, 50 रुपये स्क्वायर फीट का। यकीन मानिए 50 रुपये स्क्वायर फीट ही है, क्योंकि मुझे इस प्रोडक्ट को बेचना भी नहीं है और ना मैं किसी दुकान या ब्रांड का प्रमोशन कर रहा हूँ। हाँ, यह अलग बात है कि मार्केट में महंगे वाले व्हाइट बोर्ड भी उपलब्ध हैं और सस्ते वाले भी। इस व्हाइट बोर्ड की लंबाई चौड़ाई 6 फीट और 4 फीट है, 6x4 का है, और 50 रुपये स्क्वायर फीट के रेट से मुझे मिला है, तो 26x4 24 होगा, और 24x50 1200 रुपये में पड़ा मुझे स्क्वायर ये पाइन बोर्ड। अब इसे हम कट करके देखते हैं कैसा है। बताया गया है कि दोनों तरफ से इसमें लिखने की क्षमता है, इस तरफ से व्हाइट बोर्ड है और दूसरी तरफ से चार्क बोर्ड है, चार्क का यूज करके भी आप लिख सकते हैं। और जो मार्कर आता है उससे भी आप इस पर लिख सकते हैं। अब आप व्हाइट बोर्ड का पूरा लुक देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा लिख कर देखता हूं कैसा दिख रहा है। जय हनुमान। लिखने में काफी अच्छा एहसास हुआ। और अगर आप क्रिएटर हैं और YouTube पर स्ट्रगल कर रहे हैं, चैनल को ग्रो कराने के तरीके खोज रहे हैं, तो मेरा आपको एक सलाह है कि आप मनोज डे से बचें, क्योंकि मनोज डे सिर्फ आपको गुमराह करता है। मनोज डे से बचें। ये मेरी आपको सलाह है, और मेरा आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें